आप सबने ऐतिहासिक महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा तो होगा ही, लेकिन क्या आपको पता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई? नहीं न? तो चलिए हम आपको बताते हैं। राजस्थान की भूमि महापुरुषों और वीरों की भूमि रही है, उन्हीं वीरों में से एक थे महाराणा प्रताप। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन महाराणा प्रताप राजधानी चवंद में ही शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे और प्रताप एक जंगली दुर्घटना के कारण घायल हो गए थे। 29 जनवरी 1597 में प्रताप ने प्राण त्याग दिए थे। उस वक्त महाराणा प्रताप की उम्र केवल 57 वर्ष थी। आज भी उनकी स्मृति में राजस्थान में महोत्सव होते हैं। उनकी समाधि पर लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। 1576 में हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ऐसा युद्ध हुआ जो पूरी दुनिया के लिए आज भी एक मिसाल है। महाराणा प्रताप ने शक्तिशाली मुगल बादशाह अकबर की 85,000 सैनिकों वाले विशाल सेना के सामने अपने 20,000 सैनिक और थोड़े से संसाधनों के बल पर स्वतंत्रता के लिए वर्षों संघर्ष किया। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।